जी नमस्कार स्टूडेंट्स, शुरुआत करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ से। और मैं शुक्राना करना चाहता हूँ उस मालिक का, उस भगवान का, उस वाहिगुरु का कि जो भी हम बोलते हैं बिल्कुल सच होता है। आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते थे जीसी की को लेकर पिछले 10-15 दिन से, जब से ये अपडेट आया था कि कैनेडा ने ओवरऑल 6 बैंड SDS कैटेगरी में कंसिडर कर लिए हैं या फिर PTE को कंसिडर कर लिया है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी एक दुचित्ति जो थी वो बनी हुई थी, वो प्रॉब्लम बनी हुई थी। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी फाइलें होल्ड कर रखी थी। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सीधा अपडेट उन्होंने कर दिया है। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए, इफ़ यू अप्लाई ऑन और आफ्टर 10th of August। उसके बाद उन्होंने एक लंबा सा ट्वीट लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो नए रूल्स के अकॉर्डिंगली SDS कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पा रहे, उनको अपनी फाइल्स होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिशियल कन्फर्मेशन है, ये canada.ca आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं आपको लेकर आ गया। ध्यान से स्टूडेंट हम पढ़ते हैं एक एक चीज़ को, ताकि आपको एक एक चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है यू मस्ट सबमिट द रिजल्ट वन ऑफ द वैलिड लैंग्वेज टेस्ट बिलो दैट शो ऑल 4 अबिलिटीज वर टेस्टेड, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आगे वो लिखते हैं, इसका मतलब सिंपल ये है कि जो नीचे उन्होंने टेस्ट दे रखे हैं, उन टेस्ट में से चारों के चारों जो अबिलिटीज होती हैं वो मतलब प्रॉपर टेस्ट वैलिड होनी चाहिए। के बाद उन्होंने लिखा है यू मस्ट टेक दीज लैंग्वेज टेस्ट इन देयर इन पर्सन फॉर्मेट टू बी एक्सेप्टेड फॉर SDS। इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट हैं आपके कैसे होने चाहिए, ऑफलाइन होने चाहिए, ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं किए जाते। जैसे कि आपको पता PTE का होम एडिशन होता था, उसको बिल्कुल भी उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब ये जो ट्वीट उन्होंने किया है, ये आपको आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उन्होंने लिखा वी आर एक्सपीरियंसिंग अ सिस्टम एरर। इसका मतलब क्या है कि उनको सिस्टम में कोई एरर महसूस हो रहा है। सम ऑफ द लैंग्वेज टेस्ट बिलो लिस्टेड बिलो डू नॉट अपीयर एज एन ऑप्शन फॉर एप्लीकेंट्स टू सेलेक्ट। जो नीचे ये वाले जो टेस्ट आपको दे रखे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको सेलेक्ट करने की ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं आ रही है। दिस इज अफेक्टिंग एप्लीकेंट्स हु आर अप्लाइंग विद लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम वन ऑफ द टेस्ट अप्रूव्ड फॉर SDS एज ऑफ 10th of August। तो इनका मतलब क्या है कि 10 अगस्त के बाद जो अप्रूवल दी गई है कुछ नए टेस्ट को, जो कुछ नए चेंजेस को, तो उससे एप्लीकेशंस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब एप्लीकेशन लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। टू मेक श्योर योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड एज एन SDS एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि आपकी एप्लीकेशन SDS एप्लीकेशन में जाए, इफ़ यू हैव ए वैलिड टेस्ट रिजल्ट फॉर वन ऑफ दीज टेस्ट, मतलब जो नीचे ये जो टेस्ट दे रखे हैं जिसमें ओवरऑल 6 IELTS के भी हैं, PTE के ओवरऑल 60 स्कोर है, TOEFL के हैं, बाकी टेस्ट जितने भी हैं, उनमें से कोई भी एक टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो इंस्ट्रक्शंस बिलो। ये देखो, जो बात मैंने आज से 10 दिन पहले बोली थी वही बात उन्होंने लिखी हुई है। उन्होंने क्या लिखा है, व्हेन आस्क्ड यू हैव टेकन ए लैंग्वेज टेस्ट इन पास्ट 2 ईयर्स सिलेक्ट यस। यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आपने पिछले 2 सालों में कोई लैंग्वेज टेस्ट लिया है, तो आपको वहाँ पर यस करना है और आगे आपको IELTS को सिलेक्ट कर लेना है। When asked if your test results were 6 or higher, वहाँ पर भी आपको yes को select कर देना। यहाँ पर बहुत सारे agent confusion create कर रहे थे कि यहाँ पर yes नहीं करना है, no करना है, non-SDS में apply करना है। नहीं, आपको clearly उन्होंने बता दिया कि आपको इसके under yes करना है। When uploading your supporting documents, upload valid test results। जब आपने documents अपने upload करने हैं, तो आपको इन जो भी 4 test हैं, इनमें से चारों test में से आपको जो भी आपके पास प्रूफ है किसी भी टेस्ट का, ओवरऑल 6 है IELTS के, या PTE में ओवरऑल 60 स्कोर है, या फिर TOEFL में 85 स्कोर है जो भी उनका स्कोर है, या फिर CAL में जो स्कोर उन्होंने बताया हुआ है वो स्कोर है, उसको आपको अपलोड करना है इन द फील्ड लेबल्ड प्रूफ ऑफ IELTS रिजल्ट। बस बात खत्म हो गई। आपको एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसको हम SOP बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, उसको आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है कि ये मैंने सारा जो भी आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करके अप्लाई कर दिया है, तो प्लीज़ मुझे SDS कैटेगरी में कंसिडर किया जाए, एज सिस्टम जो है वो एरर दिखा रहा है। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को कोई डर नहीं है, जिनके ओवरऑल 6 बैंड हैं,
दो में 5.5 हैं, एक में 5.5 हैं, तीन में 5.5 हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कॉलेजेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको कॉलेजेस इतने अच्छे ना मिले, लेकिन आप SDS के लिए एलिजिबल हो। सभी लोग एलिजिबल हैं, चाहे किसी ने ग्रेजुएशन करी है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। ओवरऑल 6 बैंड जो है वो IRCC को चाहिए, ठीक है, IELTS में, और PTE में 60 स्कोर चाहिए ओवरऑल, ठीक है जी। और बात मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, आपके कॉलेजेस का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, वो क्या स्कोर एक्सेप्ट करते हैं उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा और आगे आपकी फाइल प्रोसेस होगी। स्टूडेंट प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर दी जाती है, जो भी बोला जाता है बिल्कुल 100% फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। थैंक यू।